राजाओं को रजाई बनाने का काम किया तो फिर राजा कहां के लोग रह गए? तो फिर राजा कहां लोग रह गए? अरे राजा तो आप हैं जो ऐसे राजाओं को जो है अपना मत देकर जो है पुनः राजा बनाने का काम करते हैं। जनता ही राजा है और कोई राजा नहीं है। अलख जग चुकी है, ये अलख बुझनी नहीं चाहिए साथियों जय। यह समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रजीत सरोज जो सीधा राजा भैया के गढ़ में राजा भैया को ही चैलेंज दे रहे हैं। दरअसल गुरुवार को प्रतापगढ़ में लोक जागरण अभियान के तहत समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी पहुंचे थे। इसी दौरान मंच से इंद्रजीत सरोज ने राजा भैया पर हमला बोला। प्रतापगढ़ जिला में जगह जगह लोग अपने आप को राजा महाराजा घोषित करते हैं। लोग यहां पर परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। लोगों ने अपने सोच को बदल दिया है, लेकिन हमारे लोगों को जागना होगा। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान में आपको व्यवस्था दिया है एक वोट का अधिकार। उस वोट के बदौलत आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, अपना भविष्य तय कर सकते हैं, लेकिन यहां के लोगों को खुद सोचना पड़ेगा। मैं तो यहां पर चुनाव 19 में लड़ने के लिए आया था, तो परतंत्रता में जकड़े हुए लोगों को उनकी बेड़ियां काटकर आजाद करने के लिए आया था। उसको काफी हद तक मैंने किया था, काफी हद तक मैंने किया था। कभी समाजवादी पार्टी कुंडा और बाबागंज में चुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन पहली बार जब मैं चुनाव लड़ा तो वहां के नौजवानों ने एकता दिखाई, ताकत दिखाई और बाबागंज में मुझे 39,000 वोट मिले थे, कुंडा में 45,000 वोट मिले थे। और जब जिस अलख को मैंने जगाने का काम किया वो अलख बुझी नहीं, जब 22 में चुनाव समाजवादी पार्टी बाबागंज में लड़ी, हमारे गिरीश पासी जी चुनाव लड़े तो 39,000 से 51,000 वोट हासिल कर लिए, कुंडा से गुलशन यादव 69,000 वोट हासिल कर लिए। यानी अलख जग चुकी है, अलख जग चुकी है, ये अलख बुझनी नहीं चाहिए साथियों जय। आपको परतंत्रता की बेड़ियों को काटना होगा। मैं पिछड़े समाज के लोगों से ज्यादा कहना चाहूंगा, आप क्यों गुलाम बने हैं, क्यों लाचार बने हैं, क्यों मजलूम बने हैं? परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी ने वोट का अधिकार संविधान में प्रदत्त किया और सरदार पटेल जी ने 565 राजवाड़ों का विलय भारत देश कर में राजाओं को रजाई बनाने का काम किया, तो फिर राजा कहां के लोग रह गए? तो फिर राजा कहां लोग रह गए? अरे राजा तो आप हैं जो ऐसे राजाओं को जो है अपना मत देकर जो है पुनः राजा बनाने का काम करते हैं। जनता ही राजा है और कोई राजा नहीं है। तो इंद्रजीत सरोज का कहना है कि कोई राजा नहीं है बल्कि जनता ही राजा है। एक जमाना था जब कुंडा में समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन अब अलख जाग चुकी है और ये अलख बुझेगी नहीं। इस बयानबाजी पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।